नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में जनपद एटा में चुनाव के दौरान वोटरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनका वोट पड़ने से पहले ही उनका वोट डाल दिया गया है, जिसमें लोगों में आक्रोश व्यक्त है। किदवई नगर में जहां कुछ वोटरों का आरोप है कि उनके वोट पहले से ही पड़ चुके हैं, इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ कुछ वोटर मौजूद है जिनकी समस्या है। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष है। मनीष, कौन से वार्ड से हैं आप? पाँच नंबर से हैं। क्या समस्या है आपकी? तो ये जानते हैं कि हम आए नहीं, जब तक मतलब वोट डाल दिया, कितने डाल दिया? आपका वोट पड़ चुका है? हाँ, हमारा वोट पड़ चुका है। आपकी कौन सी बूथ पड़ती है? वार्ड नंबर पाँच। पोलिंग बूथ कौन सी है? वार्ड नंबर पाँच। वोट कहाँ पड़ते हैं आप? बापू मंदिर में। मंदिर में वहाँ डालने गए तो क्या कहा आपसे? मैंने ये बोला तुम्हारा वोट पड़ चुका है। आपने कहा नहीं, हम तो आए नहीं। हम आए नहीं, और हमने उनसे बोला था, हमने तो वो बोले कि तुमने निशान मिटा लिया है, मतलब आप मिटान लगा के आरोप लगा दिया। जरा आपका हाथ दिखाइए कैमरा, कैमरा जो अपने सहयोग से कहना चाहूँगा ये दिखाएं जरा, कोई भी निशान हो। आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड ये है। पर्ची? इसी क्रम में हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं जिनकी और भी बहुत सारी समस्याएं, इनसे भी जानते हैं एक आखिरी इनकी क्या समस्या है। आपका नाम? मेरा नाम राम सेवक है। मेरी समस्या ये सर, हमारा नाम है हमारा और मेरी पत्नी राम है, मैं तिरंग तीन साल से वोट हमारे काट दिए गए, हमारा और हमारी पत्नी का। तो आप वोट कटने की जानकारी कब हुई? हम वोट डालने के लिए तो मेरी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। तो आपने संबंधित अधिकारियों से बात की? वहाँ पुलिस अधिकारी मतलब बीओ जी विले उनसे हमने कहा, बोला हम इसमें कुछ नहीं, उसमें लिस्ट नाम होगा तो हम पत्नी बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। और आपकी किसी और को कोई समस्या? बोला हमारे बहनों के फुटबॉल से नहीं आए, दो बहनों के फोटो हैं, आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या है, क्या समस्या? वोट नहीं आई, पर्ची नहीं निकल रही। पर्ची नहीं निकल रही है जी। बीआरओ नहीं पढ़ पाए? अभी नहीं पढ़ पाए। बीआरओ से जानकारी की आपने? बीआरओ ने कहते अभी इसमें वोट आएगी। वोट लिस्ट में नाम नहीं है? नाम ही नहीं, नाम तो है। पहले वोट डाले थे? हाँ डाले थे, पूरे घर ने डाले थे। अब तीन लोगों का आए नहीं है, वोट नहीं पड़े। और आप यहाँ हमने लोगों से बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके वोट काट दिए गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनके वोट हैं, लेकिन जब वो वोट डालने गए तो उनके वोट पहले से ही पड़ चुके थे। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो पीटासीन अधिकारी का कहना था कि आपने वोट डाल दिया है, लेकिन आपने जो स्याही का निशान होता है वो निशान आपने मिटा दिया है। राजमान जन टीवी एटा। यूपी में